ये मेट्रो की कंस्ट्रक्शन साइट है, मेट्रो जो नई एयरपोर्ट की तरफ जा रही है उसकी। तो यहाँ पे ये जो G13 सेक्टर है और ये जो सारे सेक्टर्स इसके साथ साथ है, स्पेशली G13 क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा था इसके लिए, जो है वो एक इंटरचेंज भी बन रहा है, मेट्रो की रोड बाकी रोड्स भी दोबारा से बन रही हैं, तो बहुत ज़्यादा डस्ट थी। तो ये जो बारिश हुई है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है, बल्कि अभी तो डस्ट नज़र ही नहीं आ रही है, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हो गया सीन, वरना यहाँ पे बहुत ही हालत ख़राब हुई हुई थी, इस बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वैसे एज फार एज कंस्ट्रक्शन इज़ कंसर्न, काम तो हो रहा है, डिलेड है लेकिन हो रहा है, और ये अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बारिश हो गई है। इसकी वजह से बहुत से लोगों की ज़िंदगी काफ़ी बेहतर होगी होगी, क्योंकि इधर ख़ासकर हमारा ऑफिस भी इधर G13 में ही शिफ्ट हुआ रिसेंटली, तो इधर भी बहुत ज़्यादा डस्ट थी, बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा डस्ट थी सांस लेना मुश्किल हुआ हुआ था, मास्क यूज़ किए जा रहे थे। तो अब यह है कि कम अज़ कम कुछ दिन के लिए ये बेहतर हो जाएगा, जब तक ये मिट्टी गीली है और जब तक ये दोबारा से खोदी नहीं जाती, ख़ासकर हवा में भी इतनी डस्ट हो गई थी, इवन दरख्तों के ऊपर देखा जा सकता था। तो बाकी ही ये वीडियो में आप देख ही सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन की अपडेट है, जगह जगह पे इन्होंने अभी खोदा हुआ है, अभी तो मतलब 14 अगस्त 2017 को इसका वो होना था, इनॉग्रेशन थी, लेकिन ये क्लियरली कुछ हो नहीं सका, ये काम चल रहा है। सो देखते हैं हम ये कहाँ तक जाता है, ये मेरे ख्याल है ये एक रोड कारपेट का थी, ये शायद या तो ट्रकों के लिए है या फिर मेट्रो का ट्रैक है, वैसे मुझे नहीं लगता मेट्रो का ट्रैक शायद सेंटर में होगा, ये कंक्रीट वाली रोड बनाई है जिसका हम जा रहे हैं, और ये सारा साइड पे ये जो इन्होंने कॉटन अप किया हुआ है एरिया और खुदा हुआ भी है और थोड़ा बराबर भी किया हुआ है, ये सारा जो है वो दोबारा से कंस्ट्रक्ट होगा। और ये जो अभी गाड़ी मोड़ी है ये वो वाली ट्रैफिक है जो कि गोला मोड़ से पेशावर रोड एग्जिट करती है, और फिर ये राउंड बोर्ड से उसका सीधा जाने का इस्लामाबाद की तरफ रास्ता नहीं है, तो वो इस साइड पे आ जाते हैं आगे। तो मैं भी पेशावर रोड से आया हूँ लेकिन मैंने गोला मोड़ वाली रोड नहीं ली, मैं सीधा आगे चला गया था मोटरवे चौक और वहाँ से सीधा इधर आ गया। इस तरह कम अज़ कम उस साइड पर जो रश होता है उससे बंदा बच जाता है। अभी आपको उस साइड पर गाड़ियाँ तो नज़र आ रही होंगी लेकिन वो रश आज बहुत कम है, नॉर्मली बहुत ज़्यादा होता है, आज शायद बारिश है तो लोग घरों से निकले ही नहीं है, इन रोड्स पे भी काफ़ी कम लग रहा है मुझे रश। तो अब कोई गाड़ी वाला था अपनी लेन में जाने के बजाय उसको मेरे पे हॉकिंग का मसला होता। ये कंस्ट्रक्शन की अपडेट तो आप देख ही रहे, हर तरफ ये कम अज़ कम खोदा हुआ है और वो सूखे मौसम के लिए तो ये बहुत ही बुरा बुरा हाल है यहाँ पे इर्द गिर्द रहने वालों का। इसको मेरे ख्याल है टाइम पे रैप अप कर देना चाहिए, वो जो टाइम था ना इसका रैप अप का उस पर हो जाना चाहिए था, अभी लेट हुआ है तो जल्दी हो जाना चाहिए, वरना ये लोगों की ज़िंदगी ऐसी मसले में फंसी रहेगी। एक अपडेट होनी चाहिए थी यहाँ पर, ये अब तक अपडेट है। या अभी मैं कहाँ से आ रहा था, मोटरवे चौक से मैं ये यहाँ पे राउंड अबाउट हुआ करता था, ये अब सारी जो है ना सामने से आने वाली ट्रैफिक भी इस रोड पे आई भी है, और इधर से जाने वाली जो पुरानी कश्मीर हाईवे वाली रोड थी जो कि अब सर्विस रोड है G13 की, वो उस पर सारी शिफ्ट हुई है, ये कीचड़ बना हुआ है, उधर से आने वाले उधर सामने से आ रहे हैं, ये सारा ही होता है, ये पूरा मास्टर प्लान है जैसा पैदा होता है। तो लेट्स सी, ये पुलिस वाले अपनी बारिश में भी ड्यूटी कर रहे हैं, थम्स अप टू देम, और दैट्स इट।
पूरा एरिया खुदा हुआ है फिलहाल तो, लेकिन ये बारिश की वजह से नज़र आ रही है चीज़ें, वरना तो सीन और ही था कुछ। एनीवेज अब यहाँ पे मैं अपनी वीडियो बंद करता हूँ। डू सब्सक्राइब, आई विल बी ब्रिंगिंग यू द मोर कंटेंट स्पेशली रिलेटेड टू दिस मेट्रो प्रोजेक्ट। दिस इज आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दिस वन, नॉट अपलोडिंग एनी अदर वीडियोज़। So thanks and subscribe and stay tuned for more videos.